And have been seeing his gorgeous smile since day one of Life Skills Workshop, and many have been seen, seeing him since years. Friends, uh, there, there, there should be two, introduction, two introductions for Pawan sir. Pawan sir has a huge, huge formal introduction, and uh, even bigger than that, informal introduction. So, uh, to start with, uh, I, I would like to introduce him formally. C.A. Pawan sir has डन सी ए सी एस एंड सी एम चार्ट अकाउंटेंट कंपनी से सी एस कंपनी सेक्रेटरी की तीनों एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक एंड सी एम ए की एग्जाम में भी सर ऑल इंडिया टॉपर थे तो इतने सारे रैंक कोई एक पर्सन ने लाया ऐसा मैंने पहली बार देखा हूँ लोग जब सुनते हैं तो पूछते हैं सर ये पवन सारडा कितने टीचर है पवन अलग सारडा अलग ऐसा नहीं है वो एक ही टीचर है जिन्होंने इतने सारे रैंक कोई किए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अब बाकी चीजें क्या ना थी मैं सबके लिए तो अब वो सब ऑलरेडी कवर्ड है अब बता दिया तो वो क्या बताऊ आपको बट अपार्ट फ्रॉम दिस Sir, एकदम बढ़िया साइकिलिंग करते हैं ट्रेकिंग करते हैं ये सब आपको सीखनी चाहिए उनसे ही इज वेरी सिंसियर वेदर वेदर वो वो उनका हो वो उनकी एक्सरसाइजेस हो या उनका रनिंग हो या साइकिलिंग हो तो ट्रेकिंग स्पोर्ट्स बैडमिंटन सर इज वेरी सिंसियर एंड रेगुलर इन ऑल दिस थिंग्स एंड सर ने करीबन वन सेवनटी प्लस वाव वॉक्स करी है मतलब सर हर वीक हर वेनसडे को थर्सडे को ना बच्चों को वॉक पे लेके जाते थे अभी पेंडेमिक के कारण वो होल्ड पे आ गया है बट ये yes,

आपका सेशन मुझे पता है दो घंटे का है तो आई स्टॉप योर इंट्रोडक्शन हियर बट यस एकेडमिक्स में best, में बेस्ट सिंसियरिटी थिंक गॉड गिव हंड्रेड परसेंट इन एवरी थिंग सो डेट आई बिलीव इज योर सीक्रेट और बहुत कुछ होगा जो आपने बताया नहीं होगा बट द थिंग इज यस आर जस्ट एन अमेजिंग पर्सनलिटी so so uh, we are very fortunate fortunate to to have have you 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 here word I should have used it infinite times सर, so, welcome sir sir over thank बह गए आ, तो, थैंक यू नीरज सर फॉर सच अवलींक्शन मैं तो ये यूट्यूब पे बार बार जाके देखूंगा कि नीरज सर ने मेरा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया तो गुड मॉर्निंग everybody गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इंट्रो दिस लाइफ स्किल्स वर्कशॉप हमारा आई थिंक सेशन नंबर 44 फोर है एंड इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी इज इंट ऑलमोस्ट वन मंथ कंप्लीट होने को आ गया है एंड हम लोग इतने सारे अलग अलग स्पीकर से अलग अलग डायमेंशन में हम लोग सीखे हैं सो फ्रेंड्स आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का वैसे तो हम लोग पहले भी काफी बार कर चुके हैं बट देन आज मेरे फेवरेट टॉपिक पे दैट इज एग्जाम्स अब सर एग्जाम्स कैसे किसी का फेवरेट टॉपिक हो सकता है बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंसिस इन माई एग्जाम्स तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहता हूं कि एग्जाम्स तो आप लोगों को फेस करना ही है तो वाई नॉट इंजॉय इट तो हमारे सेशन का टाइटल है इंजॉय योर एग्जाम्स तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट सबसे पहले तो इंजॉय क्या होता है इंजॉय करना क्या होता है एनी बडी अमंग्स यू इंजॉय करना क्या होता है इंजॉय करना क्या होता है मैं मोमेंट इन द मोमेंट ओके क्या हम लोग ऐसी भी चीज इंजॉय कर सकते हैं जो हमारी मेयर ड्यूटी है एकदम रोज का काम है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं क्या मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करना चाहूंगा आप लोग देखिएगा ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ये देखिए Сейчас он его <свес> обломает, иначе. Пиздец, а, вот как он, блядь. Он так Не падай, блядь, и давай. Смотри, <свес> как он, смотри, как он.

तो फ्रेंड्स ये होता है एंजॉयमेंट देखा आपने वो आइसक्रीम वेंडर अपना रोज का काम कर रहा था लेकिन क्या एंजॉयएबल तरीके से कर रहा था इजंट इट सो तो वैसे ही अब एज अ स्टूडेंट आपका रोज का काम है पढ़ाई करना रोज का काम है एग्जाम्स आई मीन रोज का मतलब रेगुलर फीचर है आपके लाइफ में कि नेक्स्ट एग्जाम कौन सी उसकी तैयारी करना तो आप लोगों को उसको अगर आप इंजॉय करना सीख गए काम तो वही करना है लेकिन थोड़ा सा फन तरीके से करना है वो शिव खेरा की एक बुक थी पहले बहुत फेमस थी यू यू कैन कैन विन नाम की बुक थी शायद विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स डू थिंग्स डिफरेंटली तो पढ़ाई तो सबको करता है मतलब कोई रो रो के करता है कोई हंसते हंसते करता है जैसे मेरी जो भतीजी है वो जब अब, अब तो स्कूल्स बंद है वो रोती थी स्कूल जाने के पहले तो मेरी मम्मी उसको कहती थी कि बेटा देख स्कूल तो तुझे जाना ही है अब हंसते हंसते जा या रोते रोते जा तेरा चॉइस है

पहला क्वेश्चन है आर यू स्टडिंग क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यस सर यस यस सर यस आप में से कोई है जिसने पढ़ाई छोड़ दिया है कोई नहीं यू आर स्टडिंग माय क्वेश्चन इज व्हाई आर यू स्टडिंग क्यों पढ़ाई कर रहे हो व्हाई आर यू स्टडिंग टू लर्न टू गेन नॉलेज ओके गुड

what and how में जाने के पहले अगर उसके y के रिस्पेक्ट में क्लियर रहे तो ऑलरेडी वो चीज को हम लोग एंजॉय करने का हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बन जाता है बिकॉज़ देखिए आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो अगर आप एक बर्डन की तरह पढ़ते हो कि यार हमको पढ़ना पड़ रहा है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है डू यू थिंक स्पीड इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स डू यू थिंक स्पीड इज इंपॉर्टेंट यस वेरी इंपॉर्टेंट यस 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 Sir. what about being the fastest person in the wrong direction is direction also not more important than speed important both important. are equally important both are equally important important but direction. Speed and direction? Direction. direction 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 is important direction सो so, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो स्पीड यू में इवेंचुअली गेन कभी स्पीड कम रहेगी कभी ज्यादा रहेगी बट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मान लो आपको दिल्ली जाना है और आपने चेन्नई की ट्रेन पकड़ लिया है और वो ट्रेन फास्ट चल रही है सो फास्ट रॉन्ग डायरेक्शन में रहने का कोई मीनिंग नहीं है वैसा ही पढ़ाई में होता है कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो बहुत मेहनत कर रहे हो बहुत स्पीड से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन ओवरऑल आपका डायरेक्शन ही गलत है है ना ओवरऑल आप एक दरवाजे को गलत दिशा में आप पुश कर रहे हो जिस दिशा में वो खुल ही नहीं सकता तो फिर कैसे होगा सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई ऑल योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन हम लोग इस सेशन में पढ़ाई को किस अप्रोच से देखना कई बार हमारा अप्रोच ही टोटल उल्टा हो जाता है हम लोग पढ़ाई को एक दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं सो आई विल टेल यू द अबाउट स्पीड ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट टूल्स टू योर स्टडीज ऑल्सो बट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज लाइक टू थिंक अबाउट एनीथिंग कोई भी चीज करने के पहले हम लोग वाई सोचना चाहिए वाई वी शुड स्टार्ट विथ वाई एक बुक है इस पे साइमन साइनिक की स्टार्ट विथ वाई सो यू शुड नो योर वाई वेन यू आर स्टडिंग दिस इज माई वाई ये देखो आपको यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिख रहा है लास्ट ईयर हम लोगों ने एक इवेंट किया था उसमें फोटोग्राफ खींचा था हमें पढ़ना पढ़ नहीं रहा है हमें पढ़ने मिल रहा है दिस इज माय एटीट्यूड दिस हैज बीन माय एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है एंड जनरली uh, ट्रांसपोर्टर्स के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में आगे नहीं रहते हैं क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं एंड मेरे पापा को भी एज सच कोई बहुत उम्मीद नहीं थी मुझसे इनफैक्ट उनको पता भी नहीं था जब मैं एट या नाइन्थ स्टैंडर्ड तक पहुंचा था उनको किसी ने बताया बाहर कि आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आता है तो उन्होंने घर पे आके मम्मी को बताया कि पता है अपना बेटा फर्स्ट आता है तो मम्मी ने कहा कि हाँ पता है तो मतलब हमारे यहाँ इतना कोई पढ़ाई का कल्चर था नहीं बट ऑबियसली मेरे जो uh, मम्मी है मेरे जो टीचर्स हैं स्कूल में उन्होंने एक uh, मेरे लिए ऐसा डायरेक्शन सेट किया दैट दैट हमेशा आई आई ग्रेटफुल स्टडीज ऑलवेज थॉट गेटिंग टू स्टडी इज एन अपॉर्चुनिटी इट इज नॉट अ बर्डन आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टूअर्ड स्टडी एंड मैंने एक और चीज सीखा मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रूमिंग आई गॉट इन द स्कूल टाइम्स एंड लेटर ऑन जब मुझे शर्मा सर जैसे टीचर्स मिले स्टैंडर्ड इलेवेंथ में मैंने शर्मा सर से पढ़ना शुरू कर दिया था सी एस सी पी टी के लिए तो मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाई कोई एक लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है इट इज अ जर्नी इट इज अ स्टेपिंग स्टोन इट इज अ अस एंड नॉट द एंड आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ स्टडिंग इज अ जर्नी ये एक प्रोसेस है ओके okay? ये कोई फाइनल सक्सेस नहीं है आपने एक दिन अच्छी पढ़ाई कर लिया दैट इज नॉट सक्सेस एग्जाम में अच्छा करोगे इवन दैट इज नॉट सक्सेस आपको लाइफ में आप कैसे बनते हो पढ़ाई से आपके लाइफ पे क्या इंपैक्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू बिकम दैट इज द

मैं बार बार आपको बताऊंगा कि देखो पढ़ना तो है ही तो क्यों नहीं उस चीज को सही दर, सही नजरिए से देख करके पढ़े सो आई ऑलवेज फील दैट स्टडिंग इज एन अपॉर्चुनिटी उसको उस तरीके से पढ़ो मैं हमेशा सोचता हूं कि कितने सारे लोगों ने कितने सारे साल अपनी जिंदगी के दिए और एक एक कंसेप्ट डेवलप किया और वो कंसेप्ट आज हम लोगों को टेक्स्ट बुक में परोसा हुआ मिल रहा है हमको रेडीमेड मिल रहा है और फिर भी हमको उसकी वैल्यू नहीं है तो इज इट दैट इज दैट नॉट रॉन्ग जब हम लोगों को कोई चीज परोस के दी जाती है तो हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है जैसे लाइफ स्किल्स वर्कशॉप का एग्जाम्पल लो ये फ्री वर्कशॉप है बट आप में से हर स्टूडेंट हर सेशन का मजा नहीं ले पाया बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगा कि उतना वैल्यूएबल नहीं होगा क्योंकि फ्री है बट बिलीव मी फ्रेंड्स ये जो पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज देर आर मेनी किड्स ऑफ योर एज हुट टू स्टडी गिवेन एन अपॉर्चुनिटी डे वो वंडर्स बट दे डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी तो पहली बात तो वी शुड हैव दैट ग्रेटिट्यूड कि हमें पढ़ने को मिल रहा है हमें पढ़ना पढ़ नहीं रहा है आप बोलोगे सर जो आप कह रहे हो ये बोलने के लिए ठीक है सुनने के लिए ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि सर जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हमको तो ऐसा लगता है कि पढ़ना पढ़ ही रहा है बट फ्रेंड्स बिलीव मी स्टडिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर कैमरा ऑन रखो तो मुझे ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आप लोगों के एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इट इज नॉट अ बर्डन ये चीज आप मन में ध्यान रखो कभी भी आपको आगे लगता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त कि यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट है मेरे ऊपर थोपा गया है तो एक और चीज समझ लो कि आपने चूज किया है वॉट एवर यू डू इन लाइफ फॉर एग्जाम्पल आप अगर अभी कॉमर्स लेते हो तो आपने चूज क्या है कॉमर्स लेना ओके इट इज नॉट दैट आप में थोपा गया है नाउ बिकम द ओनर ऑफ योर डिसीजन ओके टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन ये मत बोलना कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला टेंथ तक के ठीक है बट नाउ ऑनवर्ड नो बिकॉज आपके पास चॉइस है आप छोड़ दो आपको पढ़ाई नहीं करना तो आप छोड़ दो आपको जो करना है करो बट आपको भी पता है कि पढ़ाई आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे देगी वर्ल्ड में ओके इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड यू विल बी एट अ मोर एडवांटेजियस पोजिशन इफ यू स्टडी वेल आपको भी पता है एंड जो लोग कहते हैं कि सी ए में रिजल्ट टफ है या पढ़ाई कठिन होती है वो लोगों ने शायद लाइफ के बाकी स्ट्रगल्स नहीं देखा है. है ना पढ़ाई तो इनफैक्ट वन ऑफ द इजिएस्ट मीन है ऑफ मेकिंग अ सक्सेसफुल लाइफ ओके okay? आप लोग अगर मुझे एग्जांपल्स बताओगे सर देखो ये प्र हैं जिन्होंने सिर्फ स्टैंडर्ड टेन तक पढ़ाई किया था सचिन तेंदुलकर ने स्टैंडर्ड टेन तक ही पढ़ाई किया था तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं बहुत सारे और स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड टेंथ के बाद क्रिकेट के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था बट टेल मी क्रिकेट में सक्सेस रेशियो कम है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पर रिप्रेजेंट करने वाले कितने कम खिलाड़ी होते हैं एज कंपेयर टू योर स्टडीज कहां पर रेशियो कम है क्रिकेट में

उसमें आप खुद की एग्जाम लिखोगे आपको ही बेनिफिट मिल रहा है यू आर नॉट डूइंग एनी सोशल सर्विस बाय बट इनडायरेक्टली यू आर इनडायरेक्टली आप पढ़ाई करके अपने आप को एक बेहतर पर्सन पर्सन बनाओगे हु कैन सर्व द वर्ल्ड इन अ बेटर वे इवन अब देखो आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर है एप्स है मुझे मेरा आईपैड है बार बार रिमाइंड करता है मेरा लैपटॉप है बार बार रिमाइंड करता है कि ये वाले ऐप को अपडेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का समय आ गया है तो वो भी तो अपडेट होते रहता है कंटिन्यूसली सो so, जो स्टूडेंट्स पिछले साल से पढ़ाई करना छोड़ दिए ये बोल के ऑनलाइन क्लासेस जब फिजिकल खुलेगी तब हम लोग पढ़ेंगे तो उनका तो पूरा साल बर्बाद हो चुका है ए, ना जाने आगे कितने महीने और बर्बाद होने वाले हैं जो बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस बंद कर दिया

उसमें से कितने सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इज स्टिल स्टिल अ अ लॉट लॉट टू टू नो एक्सप्लोर एंड आज तो गूगल के एरा में इंटरनेट अनलिमिटेड इंटरनेट के एरा में देर इज सो मच टू एक्सप्लोर यूट्यूब पे कितने सुंदर सुंदर चैनल्स हैं कितने अच्छे अच्छे लोगों ने अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से समअप करके दिया है कितने सारे लोगों ने बुक्स लिखी है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं सो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर करिकुलम आपका लर्निंग जो है दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी एंड आपके लर्निंग में ही एक पार्ट रहता है आपका जो सिस्टमेटिक करिकुलम है अब आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि सर सही में हम लोगों को मजा नहीं आता है तो कैसे मजा लाए यू हैव टू फाइंड वेस फॉर दैट आपको उसके तरीके ढूंढना पड़ेगा आपको उसको गेम्स में कन्वर्ट करना होगा हमारे इसी वर्कशॉप में एक स्पीकर ने कहा था कि आप उसको गेम बना लो ओके जैसे आप कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलते हो जिसमें पॉइंट सिस्टम रहता है तो उसमें बड़ा मजा आता है एनी एनी स्मॉल गेम मतलब इवन आ, हम लोग फ्रेंड्स के साथ में छोटी सी पिच पे क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में या कोई भी गेम उसमें पॉइंट सिस्टम रहता है कैलकुलेशन होते हैं और गेम के एंड पे हमको रिजल्ट मिलता है तो हम लोगों को बड़ा मजा आता है बस वैसे ही पढ़ाई में भी आप पॉइंट सिस्टम डाल दो पढ़ाई में भी आप रिजल्ट का सिस्टम डाल दो डोंट वेट टिल द एग्जाम्स टू गिव योर सेल्फ मार्क्स आप अपने आप को तो डेली बेसिस पे मार्क्स दो पॉइंट्स दो इंसेंटिव दो एंड फ्रेंड्स i believe that with better education we can serve the world better agar hum log social service ya uh, global service ki baat karte hain to hum log apne aap ko bas better education se equip kar de that is a big tool that we will have education should not make you more selfish friends education से आपने और सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपके डोमेन्स कम नहीं होना चाहिए। you should go on and help more and more people it should be an enabler

और और अदर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ओके okay, आज देखो एप्पल भी कहीं ना कहीं गूगल से सर्विसेज लेता है एप्पल ने अगर बोल दिया मेरे फोन पे गूगल नहीं चलेगा तो कोई एप्पल नहीं खरीदेगा ओके एंड्रॉइड जो है वो भी आई मीन एप्पल से कुछ ना कुछ हेल्प लेता है

Now next question for you is how are you studying? आपका पढ़ने का तरीका कैसा है? आप अपने आप को analyze करो, judge करो. Because still standard tenth, my approach was not the perfect one. क्या आप memorize ज़्यादा करते हो चीज़ों को या आप समझ के चलते हो? Do you focus on understanding or do you focus on memorizing? कैसा approach है आपका? Any answers? Understanding so, sir. Understanding? Understanding. Very good. बहुत बढ़िया। अगर आप समझ के चलते हो, तो फिर मेमोरी में डालना भी थोड़ा आसान हो जाता है इज इट कोई भी चीज को अगर आप समझते हो तो उसको याद करना भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको रवि सर ने मेमोरी टेक्निक्स वाले सेशन में बताया था कि पहले समझ लो ना उसके फ्लो को फिर याद कर लो तो फिर मतलब ऐसा कई बार होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो फॉर्मूले होते हैं मैं ना अक्सर भूल जाता हूँ इवन दो आई एम ए टीचर इन दो सब्जेक्ट्स जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ मैं सीए फाउंडेशन में तो मैं फार्मूला भूल जाता हूँ बट बिकॉज मुझे उसकी समझ है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है उसका डेरीवेशन क्या है वो फार्मूला अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या होगा क्योंकि मुझे वो समझा हुआ है तो मैं उसको दो मिनट में डिराइव भी कर लेता हूँ आई डोंट इवन नीड टू ओपन द बुक एंड सी इट बिकॉज मैंने मेमोरी में तो फीड ही नहीं किया था मैंने तो उसको समझा था यस yes? कुछ कुछ चीजें याद करना पड़ता है आई एम नॉट से आप कुछ भी याद मत करो आप याद करो गेम्स ऐसे बनाओ कि पहले आई मीन स्टडी के गेम्स बनाओ पहले अपने को समझ में में आ रही है चीजें उसके बाद में हम लोग जितनी चीजें जरूरत है उतनी याद कर रहे हैं डू नॉट अनिलइज मेमोराइज एवरीथिंग जैसे कि कोई चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसमें बिल्कुल कुछ बेसिक बातें लिखी हैं, जिसकी डिटेल्स आगे चैप्टर में हैं, तो वो इंट्रोडक्शन को याद मत कर लो बैठ के क्योंकि आप बहुत जल्दी अपनी कैपेसिटी को खत्म कर दोगे लेकिन आगे हो सकता है उसी चैप्टर में कुछ पॉइंटिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्पेसिफिक वर्डिंग लिखना पड़ता है तो वहां पर याद करना ही पड़ेगा बट अगेन मैक्सिमम ऑफ योर सब्जेक्ट्स यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दम पहले समझ लो उसके बाद जितना जरूरत है उतना याद करो अब जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया या आप सीए में या तो फिर इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ोगे उसमें आप लोगों को ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत है ही नहीं इनफैक्ट वहां पर अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में तो जो टर्म रहता है उसी में मीनिंग छुपा हुआ रहता है जैसे क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर जिसके पास हमारा क्रेडिट है मतलब जिसको हम पैसे देने के लिए लाइबल है लाइबिलिटी असेट मतलब जो हम ओन करते हैं बहुत सारी चीजें उसके वर्ड में ही समझ में आ जाती हैं। सो so, ियंस okay, तो से, से बनी है ओके अब साइड में आपको एक मेम दिख रहा है ऐसा आई एम श्योर आपने से कुछ लोग करते होंगे हाईलाइट ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ओके फ्रेंड्स आप पढ़ाई जब कर रहे हो तो you should always have an overall plan plan very very important make a plan. without planning आप कोई भी चीज करते हो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक 15 डेज के टूर पे निकले हो ऑकी okay, 15 डेज के यूरोप टूर पे आप निकले हो जाना चाहते हैं हम हर किसी का सपना है कि हमको यूरोप ट्रिप पे जाना है अभी तो नहीं अभी पैंडेमिक में शायद कोई हिम्मत नहीं करेगा लेकिन मे बी टू थ्री इयर्स डाउन द लाइन या जब आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे बीस इक्कीस साल के हो जाओगे तब खुद के पैसों से यूरोप जाने का एक ड्रीम रहेगा मेरा भी है अभी भी मेरा पेंडिंग है सो अब पंद्रह दिन के ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं सिर्फ चार फ्रेंड्स हैं टोटल अब हमारे पास में टोटल कितना पैसा है क्या ये हमको पता रहना चाहिए कि नहीं पता रहना चाहिए हम जब निकल रहे हैं इंडिया से शुड वी नो और शुड वी नहीं पता रहे तो चलता है पता, पता we should know. We should know. Okay? वहां पर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितने होंगे ये पता रहना चाहिए कि नहीं पता रहना चाहिए यूरोप में पता, पता रहना चाहिए पता रहना चाहिए है ना हमारे पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है ये भी पता रहना चाहिए वरना क्या होगा आप मान लो आप दो लाख रुपए लेकर गए दो लाख पर का बजट से आप गए और पहले ही दिन आपके जाकर के चालीस हजार रुपए खर्च हो गए होटल में और फिर फ्लाइट की टिकट भी थी मतलब सब चीज मिला करके आपका कन्वेंस हो गया आ, बाकी सब चीजें मिलाकर पहले दिन आपने एक ऐसा होटल बुक कर लिया जहां पर आपके चालीस हजार रुपए खर्च हो गए सो बिकॉज यू डिड नॉट प्रॉपर प्लान वॉट हैपेंड इज कि आपको जो दो लाख रुपए पंद्रह दिन तक टिकाना था मतलब एक दिन के आपके पास बीस हजार रुपए भी नहीं थे आपने सीधा एक दिन में चालीस हजार रुपए खर्च कर दिया तो आगे क्या होने वाला है कैन यू इमेजिन डे नंबर इलेवन से डे फिफ्टीन में क्या होने वाला है इसी तरीके से यूरोप में क्या करने वाले हो आप पब्लिक प्लेसेस पे गाना गाओगे हाँ कटोरा लेके ऐसा ऐसा अपने को पढ़ाई करना रहता है मतलब जब आप पढ़ाई करते हो तो यहां पर मनी आपका लिमिटिंग रिसोर्स नहीं है जब आप पढ़ाई करते हो तो टाइम आपका लिमिटिंग रिसोर्स है अपन क्या करते हैं कि अपने को पंद्रह चैप्टर पढ़ना है तो अपन लोग अपने पास मान लो टोटल मान लो टोटल बीस घंटे का समय है अपन ने पहला ही चैप्टर जो सबसे आसान चैप्टर है एक्चुअली उस सब्जेक्ट का उस पहले चैप्टर को अपन ने चार घंटे पढ़ लिया विदाउट एनी प्लान ओवरऑल प्लान तो था ही नहीं अपन ने कभी कैलकुलेशन किया ही नहीं कि टोटल टाइम कितना अवेलेबल है टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है और अपन ने चार घंटे पढ़ लिया अब क्या हो गया अब रिमेनिंग चौदह चैप्टर के लिए सोलह घंटे हैं अभी भी नहीं सुधरे तो क्या होने वाला है और एक चैप्टर तीन घंटे लगा दिए तो अब तो आपके पास में एक चैप्टर के लिए एक घंटे से भी कम बचा और धीरे धीरे आखिरी के पांच चैप्टर में वो कटोरा वाला सीन हो जाएगा मतलब कि बस हम लोग भगवान से दुआ करेंगे कि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ना आ जाए सो so, ये एक्सीडेंट से पढ़ाई हो गई एक्सीडेंटली भी पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते एक्सीडेंटली चौका जाता है क्रिकेट में कि नहीं जाता है कट लग के चौका जाता है कि नहीं जाता है जाता नहीं मिलता है कट है कभी कभार बैट्समैन ने इधर शॉट मारने की कोशिश की कट लगा उधर छक्का चला गया अगर बॉलर ने बॉल फास्ट डाला है तो लेकिन क्या आपको एक्सीडेंटल सक्सेस चाहिए या आपको सिस्टमैटिक सक्सेस चाहिए किस टाइप का सक्सेस चाहिए आपको आपकी पढ़ाई में सिस्टमैटिक फ्रेंड्स जहां पर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं वहां पर यू गॉट टू प्लान अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप हमेशा आप कैचिंग अप करते रहोगे सो so, प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एक कि आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है टाइम इज द क्रूशल थिंग आगे भी एक स्लाइड में टाइम के बारे में और एम्फरसाइज करूंगा सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड कितना है कौन से चैप्टर को कितना टाइम लगेगा आपकी स्पीड के हिसाब से ये तो हो गया प्लानिंग का पार्ट बट नो प्लान इज कंप्लीट विदाउट इंप्लीमेंटेशन तीसरा इट शुड बी प्रैक्टिकल आपका जो ओवरऑल प्लान है एकदम खचा खच मत भर देना थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखना बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग मशीन्स नहीं हैं मशीन्स भी आजकल कई बार लैग हो जाती है आप लोग तो देखते हो टीम सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी को डिले हो जाता है और हम तो ह्यूमन बींग्स हैं हमारी कभी एनर्जी डाउन रही कभी हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए कभी कुछ हो गया कभी कुछ हेल्थ इश्यू तो वी शुड हैव सम स्पेयर टाइम आल्सो इन द प्लान

सो so, फ्रेंड्स uh, मुझे तो उसका काफी फायदा मिला एक बहुत अच्छी हैबिट मुझे जो है हैबिट मिल गई ओके सो मेक एन ओवरऑल प्लान देन नेक्स्ट स्टडी ट्रिप स्टडी टिप इज ब्रेक इट डाउन ओवरऑल प्लान तो आपने बना लिया कि अपने को 20 घंटे या 30 घंटे में 15 चैप्टर करना है अब उसको तोड़ो ओके okay? फूड डालो और राज करो ओके डिवाइड इंड रूल पॉलिसी ब्रेक इट डाउन हम लोग हिमालय में भी बड़े बड़े पीक्स को क्लाइम करते हैं तो हम लोग सीधा वो पीक पे पहुंचने का टारगेट नहीं रखते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि एक घंटे में हम लोग इतने दूर तक पहुंच जाएंगे अगले आधे घंटे में यहां तक पहुंच जाएंगे फिर भली थोड़ा रेस्ट लेंगे सो वेन यू ब्रेक थिंग्स डाउन दे बिकम डूएबल ओके सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग द बिग थिंग्स स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स रेदर इट इज डूइंग द स्मॉल थिंग्स बिग नंबर ऑफ टाइम्स तो आपको स्मॉल स्मॉल चीजों को आपको बहुत कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करना है तो पढ़ाई को भी वैसे ही आपको प्लानिंग करना है माइक्रो प्लानिंग कर लो ओके okay, जितना आप उसको कर सकते हो एंड सेट टाइम बाउंड टारगेट्स विच शुड भी प्रैक्टिकल विच शुड बी नॉट अनरियलिस्टिक बट विच शुड भी चैलेंजिंग इनफ टाइम बाउंड टारगेट्स ऐसा नहीं कि पांच पेज पढ़ने के लिए आप अपने आपको चार घंटे का समय दे रहे हो नहीं पांच पेज पढ़ने के लिए अपनी स्पीड के हिसाब से चालीस मिनट का समय दो या साठ साठ मिनट का समय दो लेकिन टाइम बाउंड रखो और धीरे धीरे उस टाइम को ट्रैक करो टाइम को ट्रैक करो आप जो चीज को ट्रैक करते हो ना वो इंप्रूव होती है जो भी चीज को आप ट्रैक करोगे वो इंप्रूव होती है। जैसे आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया और ट्रैक नहीं किया तो दो चार दिन बाद ठंडे पड़ जाओगे क्या किया ट्रैक करता हूं मैं सो इट बिकम्स बेटर फॉर मी टू अ कंट्रोल वैसे ही आप अगर अपनी पढ़ाई को ट्रैक करते हो कि आपको चार पेज एक्चुअली पढ़ने को कितना टाइम लगा ओके दस पेज वो चैप्टर करने को कितना टाइम लगा तो धीरे धीरे आप प्लानिंग में और अच्छे होते जाओगे बढ़ाओ जो आपका सिटिंग ड्यूरेशन रहता है एंड कवर ऑल योर बेसिस जब मेरा फाइनल का रिजल्ट आया तो न्यूजपेपर में क्लिपिंग्स वगैरह यहां पर शेयर नहीं किया इस प्रेजेंटेशन uh, में लेकिन इंटरव्यू मेरे, मेरे छपा था और उसमें उन्होंने लिखा था हेडलाइन कि स्टडी हंड्रेड परसेंट सॉल्व हंड्रेड परसेंट से सीए टॉपर पवन साडा मेरा हमेशा से ये मोटो रहा है कि भाई पूरी चीज पढ़ने का एक बार तो सब चीज पढ़ने का हाँ उसके बाद टाइम के अनुसार कोई कोई चीज को हम लोग चार बार पढ़ेंगे कोई कोई चीज को दो बार ही पढ़ेंगे कोई कोई चीज को पहली बार में क्रॉस कर देंगे कि अगली बार नहीं पढ़ना है जैसे कई बार बुक में कुछ एग्जाम्पल रहता है जो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है जो सेकंड टाइम पढ़ने लायक नहीं लगता है तो उसको सेकंड टाइम मत पढ़ो लेकिन पहली बार सब पढ़ो एंड उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब दो चीजों दो तरीकों से आप हाईलाइटिंग कर सकते हो या तो बुक में ही कर सकते हो या तो सेपरेट नोट बना सकते हो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब क्लास कर रहे हो जब टीचर से पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको सुपर अटेंटिव रहना है ओके दैट विल मेक योर एग्जाम प्रोसेस वेरी इजी

ओके okay, आपने खुद जो एक बार मेहनत किया है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव अ हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग थिंग्स हम में से कई लोग कितने सारे लोग हैं जो कोई नई बुक स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते हैं है ना हम लोग YouTube पे भी कोई वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं और दो तीन मिनट में बोर हो जाते हैं इस लाइफ स्किल वर्कशॉप में भी पहले दिन कितने सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया बट आखिरी तक तो कंप्लीट नहीं कर पाए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ हैबिट जो चीज आपने लिया है उसको जिम्मेदारी से पूरी करोगे कोई और देख रहा है इसलिए नहीं हम खुद अपने आप को देख रहे हैं यू आर अकाउंटेबल टू योर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैं हमेशा अपने स्टडी टेबल पे एक चीज चिपका के रखता था उसमें से एक कोट यहां पर आपको दिख रहा है सामने इफ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर कभी भी ऐसा मत सोचना कि इतना एफर्ट मुझसे नहीं होगा अरे कभी आपने इतना सक्सेस भी तो नहीं पाया है तो अगर आपको स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में या सीए के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो एक्स्ट्रोर्डिनरी एफर्ट्स लगेंगे फ्रेंड्स कुछ ऐसा पाना है जो कभी नहीं पाया तो कुछ ऐसा करना होगा जो कभी नहीं किया है ओके ये सब चीजों में मैं बिलीव करता हूं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी फ्री का ज्ञान नहीं है इसमें से कोई भी मैंने इंटरनेट से चुरा चुरा के आपको ज्ञान नहीं दिया है हाँ सिर्फ जो मीम्स है वो मैंने इंटरनेट से चुराया है लेकिन जो बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूं टिप्स वो पूरी मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से हैं एंड कहीं ना कहीं मैं ये चीजें अब अपनी पढ़ाई में तो नहीं लेकिन अपने वर्क में डेफिनेटली अप्लाई करता हूं अब कुछ डोस है तो कुछ डोंट्स भी रहेंगे यू कैन आस्क फॉर दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम मी लेटर ऑन एनी फ्रेंड्स डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट कई स्टूडेंट्स ना रिजल्ट की बहुत चिंता करते पढ़ाई के वक्त फेल हो गए तो कम मार्क्स मिले तो पेपर में हम लोग अगर ब्लैंक हो गए तो अब उसको तो अभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो मैं हमेशा ये मानता हूं कि वॉट यू कैनॉट कंट्रोल फगेट इट डोंट वरी अबाउट इट फोकस ऑन वॉट इज इन योर कंट्रोल आपके कंट्रोल में क्या है आपके कंट्रोल में है आपके कंट्रोल में है दैट यू कैन स्टडी ओके देखो सिंपल सी बात है आप एक फ्लो चार्ट इमेजिन करो आप चिंता कर करो यू आर वरिंग सो कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट जिस चीज की आप चिंता कर रहे हो येस देन डू दैट वाई आर यू वरिंग कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट नो देन वाई आर यू वरिंग इन एनी केस वाई आर यू वरिंग तो मेरा कहना है कि चिंता करना मतलब लॉजिकली भी कोई सेंसिबल बात नहीं है आई नो चिंता होती है बट इट कैन बी ओवरकम ओनली बाय टेकिंग कॉन्शियस एक्शन तो फोकस ऑन स्टडिंग एक दिन अगर आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई करोगे ना उस दिन चिंता कम रहेगी रात को लेकिन किसी दिन आपने टाइम वेस्ट होने दिया कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कॉन्शियसली कि यार आज का समय निकल रहा है आज का जो प्लान पढ़ाई थी नहीं हो पा रही है तो फिर आपको रात को चिंता होगी कि फेल हो गया तो तो आप अपने जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है उस पर ध्यान दो यू के नॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके लाइफ में जो अनकंट्रोलेबल चीजें हैं वो और बढ़ती जाएगी आपके लाइफ में ओके डोंट डाउट योर सेल्फ हैव फेथ अपने आप पे डाउट मत करो आपने आज तक के बहुत कुछ किया है आगे भी करोगे अपने आप पे विश्वास रखो ओके okay? बिकॉज सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जो सी ए इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन जो साकिब बागड़िया सर का सेशन हुआ था तो उसका टाइटल ही था बिलीव इन योर सेल्फ तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ हैव द फेथ दैट्स विल वर्क आउट डोन्ट कम्पेयर योर सेल्फ विद अदर्स फ्रेंड्स आप यूनिक हो ओके okay? आप अपने आप को जानो आप अपने आपको बचपन से देख रहे हो दूसरे फ्रेंड को आप सिर्फ एक साल से देख रहे हो और उसके साथ अपने आपको कंपेयर कर लिए तो बात नहीं बनेगी ओके एवरीबडी हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ डिफरेंट वीकनेसेस डोंट हैव रिग्रेट्स Take of your ये की और इसको आप बाकी जगह अप्लाई कर सकते हो रिग्रेट्स मत रखो कोई आए तो हैं है जब मैं लिटरली रोया हूँ मतलब आंसर टपके हैं बता रहा हूँ मैं आपको लेकिन उसके बाद में मैंने ये सोचा की डोंट लेट देट टीयर फॉल डाउन एनदर टाइम फॉर द सेम रीजन एक बार कोई चीज रोए तो रो लेना दूसरे बार हमारी इतने विजन क्लियर हो जाना चाहिए आंसू से कि अगली बार वो चीज दोबारा न रोना पड़े तो टेक ओनरशिप ऑफ योर कि ठीक है ये दो दिन मेरे वेस्ट हुए तो अगले छह दिन मैं रोज एक एक घंटा एक्स्ट्रा देकर रिकवर करूंगा हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा हम लोगों को ओनरशिप लेना पड़ेगा एंड यस थिंग्स विल नॉट गो परफेक्ट डोंट हैव फियर क्या होगा उसका चिंता कर रही कि कुछ नहीं होने वाला है कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम फेसिंग द चैलेंज बिलीव मी बेटर एग्जाम्स मोर एग्जाम्स विल मेक यू अ बेटर पर्सन एंड डोन्ट गेट बोर्ड ये आपके ऊपर है बोरियत जैसे हर्षद सर का सेशन हुआ था इफ यू रिमेंबर राइट हर्षद मुन्द्रा सर का सेशन हुआ था उन्होंने कहा कि हम अपने आपको यह कहानी बताते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट बोर हो रहा है या सोसो सब्जेक्ट हमको बोर हो रहा है हम ही बोर है यार आप खुद अपनी कंपनी ने इंजॉय कर पा रहे हो इतने बोरिंग हो आप यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग यू हैव टू ब्रिंग इन क्रिएटिविटी वाइल्ड स्टडिंग मेक इट इंटरेस्टिंग ओके okay, बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने आपको टाइम बाउंड टारगेट्स दो अपने आपको आप चैलेंजेस दो इट कैन बी डन एंड जो चीज ज्यादा बोरिंग है है उसको और जल्दी निपटाओ ना कौन बोल रहा सो फ्रेंड्स so ये भी कोट मैंने मेरे स्टडी टेबल पे लगा के रखा था इफ देर इज नो डल एंड डिटर्मिन एफर्ट देर विल बी नो ब्रिलियंट अचीवमेंट तो कभी कभार ये yes, आपका एफर्ट जो है वो बहुत डिटर्मिन होना चाहिए ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड वाला एफर्ट रहता है जो कई बार एक एक साल तक के उसका रिजल्ट नहीं दिखता है लेकिन वो करते रहो जो आप एफर्ट्स आज ले रहे हो उसे रूट्स डेवलप हो रहे हैं एंड उसी से आपका आगे जब ट्री जो है वो आएगा तो वो बहुत सुंदर मीठे मीठे फ्रूट्स देगा सो so, अचीवमेंट अगर आपको चाहिए तो यू शुड नॉट डू ए डेली मतलब इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स आपने आज इन्वेस्ट किया और कल चेक कर रहे हो कितने परसेंट से बढ़ गया ऐसा थोड़ी ना होता है हो सकता है कल तो डाउन चला गया होगा लेकिन एक साल बाद पांच साल बाद दस साल बाद आप देखोगे आपके वो एफर्ट्स वर्थ वाइल थे और मैं हमेशा मेरे जो स्कूल में मैथ्स के टीचर ने एक बार अरेंजमेंट एक क्लास लिया था और उसमें उन्होंने हमको मैथ्स का एक सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन सिखा दिया वो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि आई वर्क हार्ड फॉर द फर्स्ट थर्टी ईयर्स ऑफ योर लाइफ और यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट थर्टी ईयर्स मैंने सोचा कि नहीं पहले तीसरी सही है नाउ आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ दैट बट आई एम वेरी हैप्पी इंजॉइंग सो यू शुड सेलिब्रेट अ लोन टाइम विथ योर सेल्फ फ्रेंड्स बातें तो इतनी सारी हैं आप लोगों को बताने की कि ये सेशन तो थोड़ा शॉर्ट जाएगा आई विल कंक्लूड कंक्लूड बाय टाइम मैं तक कर लेकिन, आ, मैं तक कर लूंगा लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि भाई वो पर्सन मुझे फोन करके उसकी पढ़ाई का स्टेटस बताएगा फिर मैं सेटिस्फाई रहूंगा अरे क्या फर्क पड़ता है यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट किसी और को राइट right मत दो कि वो आपका मूड खराब कर सके मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स में सर मेरा वो दोस्त के साथ झगड़ा हो गया इसलिए मेरा आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा इट शुड हैव नथिंग टू डू योर 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 स्टडीज स्टडीज आपकी पढ़ाई और और आप आपका एक अपना रिलेशनशिप होना चाहिए शुड बी एक्सेप्ट द कंफ्यूजन ओके जहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है वहां पर थोड़ा सा तो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा है ना तो कन्फ्यूजन रहने दो हर चीज एकदम पहले से क्लियर नहीं होती है ओके देर विल बी अनसर्टेटीज स्पेंड टाइम इन्वेस्ट टाइम विथ अमेजिंग पीपल ओके आज के डेट में आप टॉप लोगों के साथ में समय स्पेंड कर सकते हो थ्रू यूट्यूब थ्रू देर बुक्स और अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं आपके पेरेंट्स हैं आपके कोई सीनियर्स होंगे आपके कोई सिबलिंग्स होंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं ऐसे लोगों के साथ में टॉक्सिक लोगों के साथ में टाइम कम स्पेंड करो स्पेशली जब आप स्टूडेंट हो जो लोग आपकी एनर्जी को सक करते हैं

सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने को पढ़ाई करते रहना है कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर एक्टिविटीज आप मैं जब स्टडी करता था ना मेरे रूम में गिटार रहता था था मैं मैं कई कई बार बार गिटार बजाता था. ओके कई बार रूम को लॉक करके कांच के सामने जोर जोर से गाना गाता था ओके मेरे पापा बाहर सोचते थे कि क्या कर रहा है पता नहीं ओके मतलब आ, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो जस्ट आपका जो स्ट्रेस है उसको बाहर आने दो आप में से कितने सारे लोग बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो तो आपका आर्ट को आप फॉलो कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ में बैलेंस करते हुए और फिजिकल एक्सरसाइज तो बेस्ट है स्पेशली एज ए स्टूडेंट मैं रेगुलरली सूर्य नमस्कार करता था और स्पेशली एग्जाम्स की प्रिपेरेशन के समय पर दैट टू गिव मी लॉट ऑफ एनर्जी आप कोई भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो मैं जब स्टैंडर्ड टेंथ में था तो मैं हमारा एक रूम है घर में थोड़ा सा लंबा रूम है तो उसमें मैं ऐसे बॉलिंग करता था बहुत बॉलिंग करता था सौ सौ बॉल डालता था क्योंकि तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद में बीस बॉल डाला फिर जाके अगला कंसेप्ट पढ़ा फिर बीस बॉल डाला अलग अलग तरीके की स्पिन ट्राई करता था आई यू टू जस्ट डू दिस थिंग्स

क्या कहते हैं वाइकर सर जैसे आपको केमिकल्स के नाम बता रहे थे एंडोरफिन लेवल्स जो है वो अगर सीक्रेट होता है एंडोरफिन तो फिर डोपेमिन तो आपको हैप्पी वाली फीलिंग आती है तो आप वही फीलिंग को फिर पढ़ाई में आप कंटिन्यू कर सकते हो एंड यस फ्रेंड्स बी द बॉस ब्लेम गेम नहीं करना कि अरे मैंने तो प्लान बनाया था तो यू हो गया वो हो गया अपने आप को वो वाला एक्सक्यूज मत देना आइदर यू कीप मेकिंग एफर्ट्स और यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस थ्रू आउट योर लाइफ चूज कर लो आप किस टाइप के पर्सन रहोगे आई दर कीप मेकिंग एफर्ट्स और एक्सक्यूजेस बी द बॉस पढ़ाई को बता दो कि ये बुक युक ये हमें परेशान करेगी चल इसको टैकल करते हैं मतलब बी द बॉस बता दो उसको कि आपने क्या बात है तो आई I मीन mean, वो कंट्रोल लेवल रहना चाहिए कहां आपको दुनिया को जीतने का प्लान है और आप एक छोटी सी किताब को नहीं जीत पा रहे हो अपने अपने पेशेंस को नहीं आप बढ़ा पा रहे हो सो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स ये समझो कि पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें और पढ़ रहे हो और सीख रहे हो डेवलप हो रहे हो एज अ पर्सन एग्जाम्स आर अ ग्रेट टाइम नॉट जस्ट टू नॉट जस्ट टू डिस्कवर योर सेल्फ बट ऑल्सो टू डेवलप योर सेल्फ एंड जस्ट फ्रेंड्स वॉट कम्स इजी वोन्ट लास्ट एंड वॉट लास्ट कम इजी तो ये चीज ध्यान रखना शॉर्ट टर्म पेन विल गिव यू लॉन्ग टर्म गेन तो उसको पेन की तरह नहीं भी लोगे तो चलेगा लेकिन ये शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस आपको करना पड़ेगा तो उसको माइंड नहीं करना ओके बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर लाइक दैट विद एवरीबडी एल्स क्योंकि आपका लाइफ भी तो अलग रहेगा जैसे आज अगर मैं से मेरे पास वन लाख रुपीज है मैं वो वन लाख रुपीज को स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट करता हूं और मेरा एक फ्रेंड है जो वन लाख रुपीज को रोज बड़े बड़े आलिशान रेस्टोरेंट्स में जा जा करके स्पेंड करता है और इंस्टाग्राम पे फोटोज डालता है तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज से दस साल बाद मेरे वो वन लाख रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और मेरे फ्रेंड के वन लाख रुपीज जीरो हो जाएगा इंस्टाग्राम के पोस्ट तो नीचे नीचे कहीं चले जाएंगे सो यू हैव टू हैव अ ट्रेड ऑफ वैसे जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई और फ्रेंड मस्ती कर रहा है आई I मीन mean कुछ और तो आपको ऐसे जलना नहीं है बिकॉज वॉट यूर डूइंग इज नॉट गोइंग टू कम ईजी एंड ये सब चीजें भी तो आपको सीखना है Yes, and friends, एक स्ट्रैटेजी सभी टॉपर्स की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक ही स्ट्रैटेजी है re re -re स्कूल में कभी टॉप किया होगा या करते होंगे तो आप लोगों को भी पता है कि ये दिस इज दैटेजी रिवाइज री रिवाइज एंड री री रिवाइज आप उसको बार बार रिवाइज करो कोई भी चीज को आई नॉट सेंगे रट्टा मार लो आप उसको समझो उसके बाद में उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको वापस से पढ़ो और फिर जरूरत पड़े तब चीजों को याद कर लो एग्जाम्स के पहले आपका रिविजन जितना स्ट्रॉग रहेगा उतना आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा हर सब्जेक्ट को शायद आप पसंद नहीं भी करते होंगे बट रिविजन करने से उसके साथ समय स्पेंड करने से आपको वो थोड़ा पसंद भी आने लगेगा जैसे हो सकता है कि एक महीने पहले आपको नीरज सर या मैं हम लोग पसंद नहीं होंगे खास लेकिन आपने एक महीने में हमारे साथ काफी समय स्पेंड किया तो आई एम श्योर कि थोड़े तो और पसंद आने लग गए हैं हम सब वैसे ही सब्जेक्ट के साथ होता है वैसे ही हम लोग हिमालय में जाते हैं ये कोई पर्सन वैसे तो पसंद नहीं आता है बट उसके साथ जब समय स्पेंड करते तो वो पसंद आने लग जाता है वैसे ही सब्जेक्ट्स के साथ करो बेटा दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड रिमेंबर वेल जब आप बुक को पढ़ रहे हो तो आप उसको अगली रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप वो बुक को अगली टाइम जो पढ़ोगे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सो दैट सेकंड टाइम कम समय लगे सेकंड टाइम पढ़ रहे हो सो दैट थर्ड टाइम कम समय लगे ये स्ट्रैटेजी मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड एंड जूनियर्स स्टूडेंट्स को बताई है एंड इट हैज वर्क फॉर देम ओके मेनी मेनी ऑफ देम हैव रियली है खुद के लिए तो वर्क की ही है पहली बार अगर वो सब्जेक्ट पढ़ने को दो घंटा लगता है तो अगली बार उसको मैं डेढ़ घंटे में करूँ या एक घंटे में करूँ वो टॉपिक को अगली बार और कम समय लगे एंड एग्जाम के दिन तो 20 मिनट में हो जाए ऐसे हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए एग्जाम के दिन की प्लानिंग आपने धीरे धीरे अभी से कर लेना चाहिए कि कितना समय मिलेगा कौन से चैप्टर को कितना समय देना है बट दैट एक या दो बार सिलेबस को पढ़ लोगे फिर आएगा एंड यस फ्रेंड्स जो कोर्ट लिखा हुआ है आई होप यू ऑल विद दैट ऑटोमेटिकली बिना आम के बीज बोए तो हमको आम का पेड़ मिल नहीं जाएगा बीज भी बोना होगा उसको पानी भी देना होगा और 10 साल तक के पेशेंस भी रखना होगा आजकल थोड़े से फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए तो कम समय में मिल जाता है फ्रूट लेकिन आपको कुछ काम तो करना होगा वॉट यू वॉन्ट यू हैव टू वर्क फॉर इट है ना ऑटोमेटिकली संस्कृत का एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था नहीं सुप्त सिंह से प्रविशंती मतलब जानवर नहीं आ जाता है सो so उसको अपने आप को एक्शन लेना पड़ता है टू अचीव वॉट द टॉप फाइव परसेंट पीपल अचीव यू हैव टू डू वॉट द टॉप फाइव परसेंट पीपल डू बस आइडेंटिफाई करो वो टॉप फाइव परसेंट के साथ में मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ा था मेरा कभी भी ऐसा टारगेट नहीं था कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है लेकिन मेरा ऐसा टारगेट था कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊ टू बी रैंक होल्डर इन माई ओन आइस कि कल जाकर के के बाद मुझे एक पैसे का रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया तो चाहिए थी अब फ्रेंड्स कुछ चीजें ऐसी आपसे पूछूंगा जो अपने, अपने आप में आपको आंसर दे देगी बताइए आप मुझे दोनों में से ज्यादा फिट कौन रहेगा समन हु गोज टू जिम फॉर नाइन आवर्स वंस इन अंथ इग्नोर द इफेक्ट ऑफ कोविड राइट नाउ बताइए इन दोनों में से ज्यादा फिट कौन रहेगा क्योंकि दूसरा पर्सन तो महीने में एक बार नौ घंटे जा रहे है, शायद टोटल टाइम भी ज्यादा हो गया होगा लेकिन डज डेट मैटर नो बिकॉज एक दिन सब कुछ करने से कुछ नहीं होता वॉट यू डू डेली

तो ऐसे लोगों की कंपनी रखो डोंट जस्ट हैव द कंपनी ऑफ पीपल हु जस्ट आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं कि कुछ नहीं होता चल कुछ नहीं होता चल मूवी चलते चल घूमने चलते नहीं आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको आपको सही में आपको दे सो सो लेस नहीं चाहिए कंसिस्टेंसी इज द एंड यस ये तो होता होगा आप लोगों के साथ में जो मीम में लिखा हुआ है मुझे बड़ा अच्छा लगा आई विल स्टार्ट स्टडिंग एट सेवन सात बज के एक मिनट पे अपन बोलते हैं अरे जाने दे आठ बजे से पढ़ेंगे ये मत होने दो टेक चार्ज ऑफ योर टाइम ओके इनफैक्ट डोंट मैनेज टाइम एट ऑल मैनेज याइम टाइम तो वही रहेगा आप थोड़ी ना घड़ी के कांटे को स्लो या फास्ट कर पाओगे आप अपने आप को मैनेज करो लर्न मैनेजिंग योर सेल्फ जो टॉप से टॉप बिजी पर्सन है या जो बड़ी, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ है उनके पास भी उतना ही समय है और जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है उसके पास भी उतना ही समय है तो यू हैव टू लर्न टू मैनेज ये यही नहीं सीखा तो क्या सीखा इतने साल पढ़ाई करके अगर अपने आपको मैनेज करना नहीं सीखा तो सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेज और फोकस, को अवॉइड करना सीखो, ओके okay, आप एक, एक बता, बता सकता हूं मैं कभी आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो आप टारगेट रख के पढ़ो कि मुझे तीन मिनट में ये पेज करना है फॉर एग्जाम्पल पांच मिनट भी हो सकता है सात मिनट भी हो सकता है

है ना आप वो रूम को अगर आपको कोई रूम क्लीन करने के लिए तीस दिन का समय दिए तो वो भी आप, आपको कम पड़ेंगे और किसी ने तीन थी, घंटे का समय दिया तो वो भी आपको ज्यादा लगेंगे अगर आप फोकस्ड हो तो सो इट इज अबाउट दैट सो मैनेजर फोकस एंड आप पढ़ाई करो ये सोच के कि अपन बाकी टाइम तो बाकी चीजें करते हैं ना फोकस के साथ में खेलने के टाइम पे खेलते हैं टाइम पास करने के टाइम टाइम पास करते हैं तो पढ़ाई के टाइम पे भी पढ़ाई कर लेते तो देर विल बी नो गिल्ट इनफैक्ट आप बाकी चीजों को ज्यादा इंजॉय कर पाओगे सो वो एक अप्रोच रखो आप ज प्रायोरिटीज okay? पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई शुड बिकम यॉप प्रायोरिटी अदर टाइम्स टॉगल देम ओके खेल सकते हो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं मैं कभी भी खुद भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो एकदम बुक वॉर्म था या रूम लॉक करके बैठा रहता था छे छह महीना नहीं आई एंजॉय स्टडीज अलॉन्ग विद सो मैनी अदर एक्टिविटीज बट कभी कभी ये सर्टन एक्टिविटीज एंड यस्ट टेक ओनरशिप आपने जो चूज किया है वो आपकी चॉइस है कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो जिस समय आपने ओनरशिप ले लिया उस समय आपका जो आ, टाइम है अपने आप अपने आप की प्रायोरिटी को नो no बोल रहे हो देखो आप नो no तो बोल ही रहे हो बट खुद को नो no बोल रहे हो सो so, मेरा एक मानना है कि एक्शन ऐसे लो डिसीजन ऐसे लो कि एक ना एक पर्सन तो एटलीस्ट एक पर्सन तो, तो हमेशा खुश रहे है. कौन आप खुद टेक सच आपके जो मन में आता है वो ही करो मतलब कोई चीज किसी के फोर्स में मत करो ओके okay, पढ़ाई भी इसलिए करो क्योंकि आप करना चाहते हो क्योंकि आपको उसका वैल्यू पता है कोई और कह रहा है इसलिए इसलिए मत करो ओके okay? मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स जब तक पूछते नहीं तब तक उनको पढ़ाई के लिए ज्यादा मोटिवेट नहीं करता क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जब वो खुद पूछेंगे सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है तब मैं उनको समझाता हूँ बिकॉज देन देव टेकन ओनरशिप सो लर्न टू से नो टू एंड द अननेसेसरी थिंग्स

या तो मोबाइल खुद होके स्विच ऑफ कर दो या तो रिजल्ट के बाद करना पड़ेगा तो ये मैंने खुद उस समय सोची थी ये वाली बात एंड मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था मैं कुछ कुछ समय के लिए स्पेसिफिक स्लॉट्स के लिए ऑन करता था लाइक like मेरे फ्रेंड्स को भी पता था कि शाम को पांच से छह ऑन रहेगा या रात को आठ से नौ ऑन रहेगा जब मैं डिनर कर रहा हूं तो उस समय मैं उनके साथ बात कर लेता था, था जो करना है बट देन ऐसा नहीं कि दिन भर ही मोबाइल मेरा ऑन रहता था हाँ अभी जब आपके एग्जाम्स नजदीक नहीं है तो यू कैन एंजॉय योर मोबाइल एज वेल

और अभी जो चॉइस मिलेगी उसमें कोई गारंटी भी नहीं है क्योंकि आपसे बेहतर कोई पर्सन नहीं मिल सकता क्या सामने वाले को आप में ऐसी बात ही क्या है तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो रिलेशनशिप में अभी से मत जाओ अभी से कोई फर्स्ट साइड पे प्यार नहीं हो जाता है बहुत कम कपल्स रहते हैं स्टैंडर्ड एट नाइन टेंथ इलेवंथ के जिनकी बाद में शादी भी होती है बहुत रेयरली देखा गया है तो अभी से वो चीजों को सीरियसली मत लो ओके okay? हाँ आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी बात है दर इज नो हार्म इन दैट बट देन यस यू शुड अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज पहले कुछ काबिल बन जाओ उसके बाद में आप देखो आपको बहुत सारे चॉइसेस रहेगी मतलब आप अपने पहले उस तरीके की पर्सन बन जाओ जो उस तरीके की लड़की को अट्रैक्ट कर सके है ना जो डिजर्व करे ओके जस्ट फोकस ऑन दैट ओके रैदर देन ट्राइंग टू वू दैट गर्ल तो आई एम जस्ट से एंगल ऑफ अ बॉय गर्ल्स के लिए भी है ओके okay, आप लोग भी सभी लोग मतलब कि अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करके रखो एंड एट दिस स्टेज आई एम श्योर दैट पढ़ाई ही है एक तरीका जो आपको ये सब में हेल्प करेगा ओके okay, जो आपको एक बेहतर पर्सन बनने में हेल्प करेगा एंड यस yes, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे आप जो कर रहे हो जो नहीं कर रहे हो आपने सीए लिया तो भी बोलेंगे आप कुछ और कर रहे हो तो भी बोलेंगे एटलीस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं ना ये सोच के खुश रहो

कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग तो डोंट लिव इट फॉर देम आपकी जर्नी है यस फ्रेंड्स देन अल्टीमेटली आई वुड से कि जब आपको एग्जाम्स को एंजॉय करना है सो यू गॉट टू बी सेल्फ इंस्पायर्ड पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू आपको अपने आप को पुश करना होगा देर विल बी टाइम्स जब आपको बहुत डाउन लगेगा आपको बहुत मेरे पास ना बहुत सारे कोर्ट्स है बहुत सारे कोर्ट्स का कलेक्शन है बट मैंने ये एक कोर्ट को रहने दिया इस स्लाइड में बाकी मेरे पास में बहुत सारी ऐसी स्लाइड बनी हुई है जिसमें कोर्ट्स है बट दिस वन आई थॉट की इज द बेस्ट आपको किसी और से मोटिवेशन मिलता है बट वो बहुत कम समय के लिए लास्ट होता है आप किसी और को देख करके आप हमेशा अपने आप में चेंजेस ला सकते हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हम अंदर से अपने आप को उस काबिल बना दे कि हम अपने आप को ठीक कर सकें ना जस्ट इमेजिन अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जिसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपने आप को हील करते हैं तो उसको ना डॉक्टर की जरूरत है ना हेल्थ चेकअप की जरूरत है ना कुछ कितने कितने फिट रहोगे आप कितना अच्छे से सर्वाइव करोगे वैसा ही एज फार एज योर मोटिवेशन एंड मेंटल हेल्थ इज कंसर्न बी सेल्फ इंस्पायर्ड इन योर स्टडीज ऑल्सो आप अपने टारगेट्स रखो कि मुझे ये चीज करना है उसके लिए मुझे इतना तो एफर्ट लेना ही पड़ेगा एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम स्पेशली बीच का जो फेज आता है है ना स्टार्टिंग में जोश में हम लोग सब ऊपर जाते हैं अगर ग्राफ देखा जाए तो फिर एक डिप आता है एकदम से जोश कम हो जाता है रिजल्ट नहीं मिलते हैं बहुत कुछ होता है है ना मैं पहले बहुत ही वो होता उसके बाद में एकदम से आपको डिप आ जाता है और वो जो डिप आता है उसमें आप में से जो लोग सरवाइव कर गए परसिवियर कर गए गिव अप नहीं किए वो लोग बाद के राइस का भी फायदा उठाते हैं स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है कई लोग जब मार्केट स्टॉक uh, की वैल्यू डाउन हो जाती है बेच देते हैं लेकिन नुकसान में गया बाद में वो बढ़ती है तब तक की पेशेंटली होल्ड नहीं करते हैं वैसे आपको अपने आप को पेशेंस के साथ होल्ड करना है इंस्पायर करना है देर विल बी बीकअप देर विल बी स्पीड ब्रेकर्स इन योर जर्नी देर विल बी इंपरफेक्शन बट लेट देम बी दैट इज वॉट मेक्स योर जर्नी मोर ब्यूटिफुल ओके चांद पर भी डाग होता है तो हम तो सिर्फ इंसान हैं तो फ्रेंड्स बी सेल्फ इंस्पायर्ड पुश योरसेल्फ बिकॉज़ नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स सो देखो मैंने टाइम को ध्यान में रखते हुए सेशन को सही समय पर अपनी तरफ से कंक्लूड कर लिया अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पूछना चाहो पढ़ाई से संबंधित एनीथिंग यू कैन आस्क मी यस फ्रेंड्स एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जी बोलिए रितु सर सर मतलब पूरे साल कितना भी पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो लेकिन एग्जाम के पहले ना एक दिन बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी हमको पता नहीं ना कि कल क्या होगा हम लोग एग्जाम्स को अपने माइंड में बहुत बड़ा हवा बना के रखते हैं बट रिमेंबर एक चीज में यहाँ पर स्लाइड में डालना भूल गया एग्जाम वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ मैंने एक स्लाइड में लिखा था स्टडी इज अटेपिंग स्टोन पढ़ाई नहीं करोगे वो एग्जाम में थोड़े कम भी मार्क्स आएगी ना तो कुछ नहीं होता है मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊ अगर आप लोग चाहते हो तो एक वीडियो दिखाऊ बहुत इंटरेस्टिंग ओके जस्ट बने रही है मैं वीडियो को ऑन कर रहा हूं फिर शेयर करता हूँ स्क्रीन एक सेकेंड दिख रही है स्क्रीन मेरी ओके yes, yes. yes. okay, ध्यान से देखिए स्क्रीन हाँ, दिख रही है ना सर हेलो मैम ड्रेस सेक्शन लास्ट वीक So I saw something, I just came to pick that up. I mean we don't have any dresses today. Black t-shirt, we'll try. Please. So you don't have anything else except black t-shirts? I'm looking for a jeans, shirt. I have a voucher will expire today. Oh, we've given our jeans for alteration yesterday. Yeah, I'm looking for white formal shirt.

ये तुम डिमांड कर अब ये नहीं लेनी ब्लैक ब्लेजर मैनेजर इज योर मैनेजर हियर कैन यू कॉल द मैनेजमेंट नहीं मैनेजर बुला प्लीज इज द मैनेजर ओवरऑल स्टोर आई ओनली वन पैंट पर मीटिंग में मैं क्या करूं क्वालिटी इससे बिल्कुल नहीं लेट्स नहीं नहीं सर हेलो मैम हेलो सर सॉरी यू आपके कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको इतना बुरा लगा सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती आई वॉन्ट बी ए गिटारिस्ट बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वो करूँ so, मेरे भैया को टेनिस बहुत पसंद था मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने

Awesome, sir. Awesome. बहुत सही वीडियो है मतलब आ, आ, रितु ने पूछा था मुझे राइट कि सर राइटाम्स में प्रेशर आता है तो बेटा प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि आप ना मार्क्स को ओवर इंपॉर्टेंस देके रखते हो बिलीव मै ये इन इट्स ओन प्लेस बट इट इज ओनली इन इट्स ओन प्लेस मतलब एक बहुत बड़ा पाई डायग्राम आप इमेजिन करो लाइफ का उसमें एग्जाम इज अ सेक्शन ओके एग्जाम एक छोटा सा उसमें टुकड़ा है एक पेस्ट्री की तरह एक बहुत बड़े केक में से एक हम लोग एक पेस्ट्री निकालते हैं वैसा हो गया

मुझे आई ए एस बनना है mm -hmm. और uh, मेरा इंटरेस्ट सी ए में भी है mm -hmm. पेरेंट्स से बात की तो पापा बोल रहे की सी ए भी uh, हार्ड है और यूपीएससी इज ऑल्सो हार्ड सो दो चॉइस इज नॉट बेटर तो मैं क्या करूँ नहीं आ, देखो हार्ड है इसलिए वो चीज को नहीं करना तो कोई बात नहीं होती है आप अगर सही में करना चाहते हो तो आप जैसे पहले सेशन में बाइकर सर ने बताया कि आप फैक्ट्स के साथ में पापा के पास में जाओ कि देखो पापा इतने सारे लोग सीए बने हैं इतने सारे लोग क्वालिफाई भी हुए आई में एंड मुझे इलेवन ट्वेल्थ में एटलीस्ट तैयारी तो करने दो सी ए की अगर आप सही में करना चाहते हो तो उसके बाद में अगर मैं नई फाउंडेशन क्लियर हुई तो आपकी सुनेंगे बट लेट मी एटलीस्ट टेक माई एफर्ट आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी रिग्रेट एंड आई टेक द ओनरशिप ऑफ दैट डिसीजन तो आई थिंक सी ए बनने के बाद आप आई एस की एग्जाम्स फिर दे सकते हो बिकॉज सी एस आर क्वालिफाइड फॉर दैट लेकिन yes पापा को आपको कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ेगा आपको उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि पापा आप मेरा डिसिप्लिन चेक कर लो मैं रोज जो है आप बोलोगे उस टाइम पे सुबह उठूंगी आप आप चेक कर लो कि मैं उतना कमिटेड हूँ और फिर उसके बाद में आपके पापा आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे आई एम श्योर अबाउट दैट मेगा सर पापा बहुत सपोर्टिव है बट वो डर रहे थे कि अगर क्लियर नहीं नहीं हुआ तो टाइम लग जाएगा इसलिए बहुत ऑप्शन रहते हैं ना अगर एक एग्जाम में क्लियर नहीं हुए तो बहुत ऑप्शन रहते हैं और हम लोग तैयारी उस हिसाब से करेंगे ना यू शुड डू थिंग्स विच विल मेक यू क्लियर द एग्जाम अगर नहीं हुआ तो ये सोच के तो बहुत सारी चीजें हम कर ही नहीं पाते हैं सो so एटलीस्ट आप अपने आप को मौका तो दो और नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑप्शंस फिर फिर भी रहते हैं मतलब ऐसे कितने सारे लोग हैं आधे लोग तो जो सीए में तो तो खत्म नहीं हो जाती है you, yes, Then, ने लिखा है सर समवेयर आई एम कन्फ्यूज बिटवीन आई एम रिवाइजिंग और मेमोराइजिंग हर्षिका देखो अगर आप समझ लिए हो उसके बाद मेमोराइज भी कर तो फाइन समझने के बाद में लेकिन अगर आप सिर्फ मेमोरी में डाल रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो फिर वो वो प्रॉब्लम है मतलब वो भी आपको एग्जाम में मुश्किल ही जाएगा बिकॉज तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके एग्जाम्स की भी जो डिफिकल्टी है कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी तो प्लेन फॉरवर्ड प्लेन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रट्टा मारा है वैसा का वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो आप बाद में याद भी कर रहे हो तो चलता है लेकिन पहले समझ लो ओके एंड रिविजन के समय इंश्योर दैट समझा हुआ है क्या And yes, आप छुपा छुपा के देख सकते हो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं क्योंकि आपको भी हमको रूपक सर ने बताया था रिकलेक्ट right? uh, है ना वी रिकॉल दैट इन एग्जाम तो इट इज ओके मतलब ब्रेन में मेमोरी में कुछ चीजें डालना कोई गलत नहीं है सो फ्रेंड्स आई थिंकनीस वेदिका सर आपने बताया कि आप मोटिवेशनल कोर्ट लिखते रख, रखते रखते थे आपके स्टडी प्लेस पे ऐसे लगा के तो सर उससे आपको मोटिवेशन मिलती थी पढ़ाई करने के लिए या फिर एक नॉर्मल स्टडी प्लेस हो तो भी उससे सेम मोटिवेशन मिलेगी मतलब मोटिवेशनल कोर्ट लिखने से क्या होता था कभी कभार जैसे मैं इधर उधर डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ बुक में से नजर उठा करके इधर उधर देख रहा हूँ तो आ, मुझे मतलब एक अच्छा लगता था कि हाँ ये कोड पढ़ा तो उसके बारे में फिर मेरे थॉट्स ट्रिगर होते थे सो इट टू टू बी जस्ट अ ट्रिगर पॉइंट तो तो अल्टीमेटली मैटर्स इज इज हाउ यू यू थिंक थिंक अबाउट गोइंग ऑन आई अबाउट पॉजिटिव थिंग्स अगर ऐसी चीजें आपके आसपास में लिखी हुई है तो बाकी कोई ऐसा वो नहीं है मतलब आज भी आप सोशल मीडिया पे ऐसे चैनल सब्सक्राइब करो ऐसे एप्स होते हैं इवन मैंने एक ब्लॉग बनाया जिसमें मैंने 400-500 से ज्यादा कोड्स लिख के रखे हैं ओके okay, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से तो अगर आप उसमें कंटेम्पलेट करते हो तो आपके थॉट्स वैसे चलने लगते हैं राइट right? कार्तिक ने पूछा है सर व्हाट अबाउट द स्टडी टाइम इट शुड बी मॉर्निंग और इवनिंग कार्तिक मैंने सब समय पे पढ़ के देखा है सब जमता है बस आपकी मतलब इट डिपेंड्स मुझे तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी जमा मुझे लेट नाइट भी जमता है मुझे आप कभी भी पढ़ा लो अगर टारगेट रहा तो मैं कर लेता हूँ है ना मतलब अगर जैसे रात को दो बजे भी सोए लेकिन पता है सुबह पांच बजे तो जस्ट तो पढ़ाई को भी, लो, तो uh, तो है, yes, मेरे साथ भी कई बार होता था कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं तो मैं अपने को रात को ही पढ़ाई करके सोता था मतलब आई डिड नॉट यूज टू टेक दैट रिस्क रात को ही पढ़ लिए और फिर सोए राइट right? yes, ऑल राइट सो नीना सर आई थिंक दैट्स इट फॉर द सेशन अब कल हमारे लास्ट के दो सेशन है लेट मी टेल यू अबाउट टुमारो सेशन फ्रेंड्स कल तब तक आप अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक फोटो लेंगे आपके साथ में कल हमारा पहला सेशन है डॉक्टर सुजिला शनवारी देसाई मैम जो कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है वो उनके साथ में कन्वर्जेशन है बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन रहेगा फ्रेंड्स समथिंग वेरी डिफरेंट ओके उनकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं आर्मी लाइफ से और शी इज आल्सो मदर ऑफ टू चिल्ड्रन वन ऑफ होम इज ऑलरेडी चार्टेड अकाउंटेंट एंड सेकेंड चाइल्ड इज इन दी ए कोर्स तो उनके साथ में भूषण तोशनीवाल सर जो कि पुणे बेस्ड चार्टेड अकाउंटेंट है यंग है एंड वो ब्लाइंड थे आई मीन विजुअली चैलेंज जब वो पंद्रह दिन के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी टोटली हंड्रेड परसेंट चले गई थी फिर भी उन्होंने सी ए कंप्लीट किया तो उनको देखने के बाद तो आपको लगेगा कि हम तो बिल्कुल कर ही सकते हैं कोई भी चीज सो so, उनका बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल सेशन रहता है वो इंडिया लेवल पे बहुत फेमस है तो उनको हमने कल इन्वाइट किया है फॉर मोटिवेशनल सेशन टुमारो टूम तो कल और कल ये दो सेशन से लास्ट हमारा फाइनल जो इवेंट है आ, वा, 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 स्किल्स वर्कशॉप का इसके बाद हमारा ये सब क्लोज हो जाएगा सो आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम इन दिस वर्कशॉप एंड आई होप यू मजा आया एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये ये दिक्कत है और ये ये सॉल्व करना है एकदम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एकदम परफेक्टली सामने थे एकदम एमसीक्यू पैटर्न के समान एकदम परफेक्ट थैंक यू सर आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है जी एकदम मस्त था ऑल ओके कैमरा ऑन कर लो और लोग मुझे यहां पर 10 लोगों का तो बड़ी बट वो ऐप आंसर दो कि ऐसा करो तो वो अलग बात होती है राम हर्ष थोड़ा सा अपना चेहरा सेट कर लो थोड़ा सा हम्म गुड स्माइल प्लीज अभिषेक का बैकग्राउंड तो बड़ा सुंदर है जस्ट वन मोर फोटोग्राफ इस आपके बैकग्राउंड में शायद ऑल राइट So friends, I hope you enjoyed the session. If there is anything, you can always feel free to connect with us. We to in-house faculties, hai, available. Hai. Thank you, friends. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye-bye, sir. Bye, -bye. Bye sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.